여기 항해 그럼 급히 नमस्कार देवियों और सज्जनों, वंदे मातरम। आप इस समय जैसलमेर राजस्थान की जिस रेतीली जमीन पर विराजमान हैं, म्यूजियम है, वॉर म्यूजियम करके कुछ है यहाँ पे, और बहुत अच्छा बता रहे भाई। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लग चुकी है, हमारी दो गाड़ी पहले आ गई थी, एक तो ब्रिजा और एक मैग्नेट, वो पहले आ गए थे। हम गाड़ी में नया टाइटल वाला लग गए थे, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया। तो ये भी चलते हैं और दिखाते हैं तुम्हें कि भाई ये वॉर म्यूजियम अंदर से कैसा दिखता है। तो भाई ये कुछ नज़ारा है अंदर का इस वॉर म्यूजियम का, और भाई बहुत खतरनाक लग रहा है अंदर। देखो ऑटो ऑटो का तो मतलब बहुत अच्छा सीन है यहाँ पे। देखो भाई बीच में कितना ये होल क्या है, बीच में ये पूरा ग्राउंड बना रखा है, कितना अच्छा। तो साफ सफाई का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है यहाँ पे। अंदर कुछ चीज़ ला रही नहीं, अंदर कुछ नहीं ला सकते गंदगी करने वाले। तो और भाई ये कुछ यहाँ की टिकटें हैं, टिकटें ले ली, इसके अंदर मूवी भी इंक्लूडेड है। अंदर मूवी भी दिखाएंगे, जैसे कल लोंगे वाले में दिखाएगी उसी टाइप की, शायद वो उसकी अलग स्टोरी थी, और यहाँ की कोई अलग स्टोरी की मूवी दिखाएंगे जो यहाँ पे रियल घटना हो चुकी है उसकी। वही देखते हैं भाई। तो भाई हम कहाँ पे हैं, कौन सी जगह है ये? भाई ये जैसलमेर के अंदर आ चुके हैं अपन, आर्मी वॉर म्यूजियम करके कुछ है। हाँ आर्मी म्यूजियम, और यहाँ पे हमारे सारे जो शहीद हो रखे हैं उनके पुतले बन रखे हैं, स्टैचू बन रखे उनके भाई। तो भाई ये लोंगे वाला हॉल है, और यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह भी लगा रखी है, शायद ये फाइटर वगैरह के थे। और देखते हैं भाई अपनी जो मतलब टिकट लिए उसके बारे में क्या क्या अंदर है, तो वो देखते हैं भाई और तुम्हें दिखाते हैं वो म्यूजियम कैसे अंदर से। तो भाई यहाँ पे ये हॉल सा बना रखा है, और यहाँ पे ये सारे मेडल वगैरह जो भी इंडिया के बारे में जब भी इनका युद्ध वगैरह हुआ था, जो घटना घटी थी, वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी भाई। सारी हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन कर रखी है सारी। और ये कुछ मैप्स है भाई, आई डोंट नो भाई, मेरे को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, मेरे को थोड़ा ज्ञान नहीं है, बट आपको दिखा देता हूँ भाई अगर आपको पता लगता है तो। ये देखो मैच है, यहाँ पे मैप है, लाखीवारो, सारगिलो, खुर्द, पता नहीं भाई कौन सी जगह ये, बट मैं दिखा देता हूँ भाई ब्लॉक के अंदर। और ये भाई कुछ चिन्ह है, मतलब साइंस है, ये पता नहीं चिन्ह कहते हैं इन्हें। और भाई सबसे यूनिक चीज़ यहाँ पे देखो ए सी, देखो किस टाइप का ए सी है, ये ए सी है भाई। ये देखो भाई यहाँ पे ये मूर्ति से लगा रखी है, पूरा आर्किटेक्चर कर रखा है। और ये मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी महावीर चक्र, ये है भाई। देखो सारी फोटो लगा रखी है, पहले मतलब इंडिया फ्लैग फ्लाइंग मजिस्टिकली एट लोंगे वाला। देखो भाई सारी फोटो मेंशन है यहाँ पे, जो जो मतलब शहीद हो रखे हैं उन वही होगी शायद, प्राउड विक्ट्री फॉर इंडिया 1971, मतलब ये वही है जो लोंगे वाला में युद्ध हुआ था 1971 में, कौन कौन शहीद हुए थे उनकी फोटो है शायद भाई, मेरे को ये पक्का पता नहीं है, शायद 1971 वॉर ईस्टर्न थिएटर। और ये भाई कुछ पार्क है, यहाँ का पार्क है भाई, यहाँ का लोंगे वाला वॉर म्यूजियम का लोंगे वाला अलग है, और ये वॉर म्यूजियम अलग है, ये जैसलमेर में और वो लोंगे वाला जगह पे ही है। अभी देखते हैं भाई दो पर्ची इसमें क्या क्या दिखाएंगे भाई, पता नहीं अभी तक तो लिया नहीं है कुछ, ये पर्ची उची किसी ने ली नहीं है, एक इसी के अंदर मूवी इंक्लूडेड है, और एक ही पता नहीं क्या है भाई। ये जैसलमेर वॉर म्यूजियम एंट्री टिकट, जैसलमेर वॉर म्यूजियम एंट्री वैलिड फॉर 1 एडल्ट ओनली। और भाई ये है वॉर म्यूजियम का श्रद्धांजलि स्थल है, ये श्रद्धांजलि स्थल। और देखो भाई कितने मतलब यार सबके नाम बहुत कुछ लगा रखा है यहाँ पे, और ये अपना श्रद्धांजलि स्थल है यहाँ पे। भाई दो टिकटें दिए वो तो अभी तक कहीं ली नहीं, पता नहीं किस चीज़ के लिए टिकटें हैं वो। ये इंडियन आर्मी हॉल भाई, धूप उतनी गंदी हो रही, धूप के अंदर आँखें भी नहीं खुल रही। और भाई यहाँ पे ऑडियो शो चलेगा, यहाँ पे मूवी वगैरह का सीन है भाई, पता नहीं देशभक्ति की कोई मूवी है यहाँ की स्टोरी की,
तो वो दिखाएंगे भाई अभी। विकी आ जा रही हूं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, वंदे मातरम। आप इस समय जैसलमेर राजस्थान की जिस रेतीली जमीन पर विराजमान हैं, इसे भले ही कोई बंजर कहे, पर सच तो ये है कि यहाँ फूल नहीं दुश्मन का सीना चीरने वाले शूल पैदा होते हैं। इस सरजमीन को देश की आजादी और पवित्रता के लिए हर दौर में योद्धाओं ने अपने खून से सींचा है। मारो थारो स्थान यानी राजस्थान की इस पवित्र धरती को नमन करते हुए आइए आज आप और हम दिल की गहराइयों से उन तमाम जांबाज जवानों को याद करें जिनकी अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज वीरता के आकाश पर मेरा ये अक्स मेरे वजूद की तरह कायम है। अपने सरों पर कफन बांधकर घर की चौखट लांघने वाले जांबाज बहादुरों के बलिदान से दहकती दास्तान का चश्मदीद गवा रहा हूं मैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जय हिंद। देवियों और सज्जनों, मैं एक इन्फेंट्री राइफल का बेयनट हूं। दुश्मन के खून से रंगी हुई संगीन हूं। आज मैं आप सभी का जैसलमेर वॉर म्यूजियम के इस आंगन में हार्दिक स्वागत एवं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। भाई अब हम जा रहे हैं जोधपुर, और यहाँ से जोधपुर है भाई 180 किलोमीटर। हम वहाँ से निकल गए थे 4-5 बजे निकले थे जैसलमेर से, तो बीच में खाना वगैरह खाने लग गए थे वहीं पे वॉर म्यूजियम के अंदर। तो अब जा रहे हैं जैसलमेर, वहाँ पे भाई एक तो मेहरानगढ़ फोर्ट है और एक है संतोषी माता का मंदिर, शायद वो दोनों एक्सप्लोर करेंगे और फिर जाएंगे भाई शायद अजमेर का प्लान बन रहा है भाई। फिर आगे कुछ पता नहीं, शायद घर भी जा सकते हैं या कहीं और भी जा सकते हैं। अगर कहीं और जाएंगे तो भाई तुम्हें ब्लॉग में दिख ही जाएगा वो। और भाई ये ब्लॉग की सीरीज कैसे लग रही है राजस्थान ट्रिप की, भाई एक बार कमेंट में सारे भाई ज़रूर बता दो। तो भाई रात के बज रहे हैं 2 और भाई पूरी रात घूमने के बाद अब मिला भाई होटल, ये रिजोर्ट है ये, और इसके रूम भाई बहुत ख़तरनाक है, तुम्हें दिखाता हूँ एक मिनट। रूम बड़े खतरनाक, तो भाई आपको रूम चेक इन करवाता हूँ। 2 बजे भी रूम चेक इन करवाना भी ज़रूरी है भाई। यूट्यूब के ऊपर दिखाता हूँ भाई, ये कुछ डबल बेड वाला रूम है और ये अपने विजय भाई फ़ोन में टाइम दिखा दो, टाइम कितना हो रहा है भाई। टाइम तुम देख ही सकते हो फोन में, टाइम हो रहा है भाई 2 बज रहे हैं और रात को 2 बजे हमें होटल मिला है। होटल नहीं है, पूरा रिजोर्ट है। होटल में तो मतलब बहुत घूम लिए, कोई रूम पसंद ही नहीं आ रहा। पूरा रिजोर्ट है, तुम्हें सुबह दिखाऊंगा नजर। तो
हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो भाई ये है हमारा दूसरा दिन जोधपुर के अंदर, मतलब कल रात को पहुंचे थे जोधपुर में, पहुंच गए थे तो जल्दी लेकिन होटल नहीं मिले थे। रात को 2 बजे ये होटल मिला था बहुत मुश्किल से, वो भी रवि चाचा ने थोड़ी अप्रोच घुमाई इधर उधर। भाई ये रिजोर्ट मिला था पूरा, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। और इसके अंदर हमने 4 रूम लिए थे सामने वाले लाइन के अंदर। और ये कुछ भाई बैठने बैठे हैं पार्टी वार्टी करने के, मतलब बहुत अच्छा बना रखा रिजोर्ट ये देखो। और भाई कल तो इतना ख़तरनाक हुआ ना भाई रात को हमारे साथ, क्या ही बताऊँ, पूरी रात परेशान हुए। 2 बजे होटल मिला था, ये 2 बजे के बाद आए यहाँ पे और 3 बजे तक सोए। देखो ऐसा भी होता है भाई, जब बारिश होती है ना तब होटल महंगे हो जाते हैं और देने में लोग ऐसा करते हैं कि नहीं भाई इतने में देंगे, तो इसलिए वो इस चक्कर में लेट हो गए थोड़े। और भाई ये देखो ये कौन सी जगह जी, हम ये है जोधपुर, इसका क्या नाम है रिजोर्ट का नाम है शिवम नाम है रिजोर्ट का भाई। और बहुत अच्छी सुविधा है इनकी, अगर आओ तो भाई एक बार जरूर वो देख सकते हो, चेक कर सकते हो आप, बहुत अच्छी सुविधा है। और कुछ ऐसा रिजोर्ट है भाई, और यहाँ पे पार्टी वगैरह भी चल रहे हैं, शो वगैरह के लिए भी बुक होता है ये सब। और भाई सारे रेडी हो रहे हैं, नहा धो रहे हैं, सारे नाश्ता पानी कर रहे हैं, फिर आगे यहाँ से निकलेंगे शायद अजमेर जाने की शायद तैयारी है। बाकी अगर यहाँ पे कुछ करेंगे तो तुम्हें ब्लॉग में जरूर दिखाएंगे भाई। तो भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आ गए जोधपुर के अंदर, और यहाँ पे भाई चौथी टंकी फुल हो रही है अपनी शिफ्ट की, चौथी टंकी मतलब भाई बहुत तेल पी रही है भाई पेट्रोल ने, इसलिए दिल्ली से लेके आके चौथी टंकी मतलब मान लो तुम 20,000 का तेल मान लो इसका, यहाँ तक 20 का नहीं तो 18-19 का तो तेल पी गई भाई यहाँ तक जोधपुर तक। और दिल्ली पहुँचते भाई 5-6 हज़ार का पी जाएगी, मतलब 25,000 का तो पेट्रोल हो जाएगा मेरे हिसाब से इसका।